दोस्तों अगर आपके भी हैंड शावर से पानी लीक कर रहा है तो आपको पूरा पाइप बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ से बंद कर दीजिए, देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं लगातार पानी यहाँ से लीक कर रहा है, ठीक है, लगातार पानी यहाँ से लीक कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से बंद कर दीजिए, बंद कर देना, इसे खोलिए। खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पे वाशर डाला गया है, या तो इस वाशर को आप बदल दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए एक और वाशर एक ऊपर से, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस साइड का ट्यूब का रबड़ या कोई भी रबड़ काट के आप लगा सकते हैं, या फिर इससे और छोटा, जैसे देखिए इतना वाशर में से मैं एक छोटा सा वाशर लेता हूँ, इससे छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं, ठीक है। इसे मैं नीचे डाल देता हूँ, इसके ऊपर से मैं इस पर रख के, ठीक है, फिर से इसे टाइट कर देता हूँ। देखिए इतना हो जाने के बाद आपका वाटर लीकेज का जो शिकायत था पूरा बंद हो गया, ठीक है। एक रत्ती भी यहाँ से पानी, देखिए मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया ताकि अगर पानी लीक होता तो यहाँ से पता चल जाता आपको, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए काम लायक हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और भी किसी प्रॉब्लम में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।